नमस्कार। 2021-22 खरीफ मौसम में दालों में तुअर या अरहर की औसत सकल प्राप्ति सबसे अधिक। भारत में 2021-22 खरीफ विपणन मौसम में दालों के लिए खेती की लागत पर तुअर या अरहर की औसत सकल प्राप्ति, जिसे ग्रॉस रिटर्न्स भी कहते हैं, सबसे अधिक थी। कृषि लागत और मूल्य आयोग या CACP की गणना के अनुसार 2021-22 में समाप्त 3 वर्षों की अवधि के दौरान खेती की लागतों A2 यानी वास्तविक भुगतान की गई लागत और A2 जमा FL यानी वास्तविक भुगतान की गई लागत और पारिवारिक श्रम का संकेतक मूल्य पर तुअर या अरहर की औसत सकल प्राप्ति क्रमशः 32,617 रुपये प्रति हेक्टेयर या 13,046.2 रुपये प्रति एकड़ और 24,038 रुपये प्रति हेक्टेयर या 9,615.2 रुपये प्रति एकड़ थी। इसका मुख्य कारण तुअर या अरहर की अधिक उपज था। CACP ने कहा कि उत्पादन के लिए अधिक भुगतान लागत के लिए उड़द की खेती की लागत A2 पर सकल प्राप्ति सबसे कम थी, जो कि 13,265 रुपये प्रति हेक्टेयर थी। पारिवारिक श्रम की अधिक लागत के कारण मूंग के लिए A2 जमा FL लागत पर सकल प्रतिलाभ 6,359 रुपये प्रति हेक्टेयर पर सबसे कम था। मूंग और उड़द की खेती की लागत तुअर की तुलना में काफी कम थी, पर तुअर की पैदावार काफी अधिक होने के कारण मूंग और उड़द की तुलना में इसका मुनाफा अधिक था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।